नमस्कार दोस्तों। अब जैसे कि आपको पता है कि ACPC इंजीनियरिंग की प्रोसेस ऑलमोस्ट 100% अब अपने फाइनल ट्रैक के ऊपर है, यानी कि अब जो गाड़ी है वो पटरी के ऊपर चल गई है। अब इसमें कुछ भी चेंजेस होने के मोस्टली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कि अब जो आपका टाइम टेबल है वो 99% फिक्स रहने वाला है। अब उसमें ज्यादातर कुछ भी चेंजेस होने वाले नहीं है। तो अगर हम लेटेस्ट जो टाइम टेबल आया है उसको फॉलो करें तो अब आपके पास सिर्फ 2 ही दिन बचे है कि जब आपका मेरिट आपका जो कॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस में मॉक राउंड है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आज मैं आपको यही कुछ अपडेट्स और अपडेट्स के अलावा मैं थोड़ी सी हाईलाइट जो पुरानी वीडियो की हाईलाइट है वो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा कॉलेज सिलेक्शन पॉइंट्स है, यानी कि ये मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी काफी लंबे लंबे डिस्क्राइब करके रखे, बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको हाईलाइट देना चाहूंगा, यानी कि मैं फटाफट से आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करवा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने हर एक वीडियो में इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया था कि चेक ऑल द क्राइटेरिया विच आई टोल्ड यू, यानी कि मैंने आपको जितने क्राइटेरिया किए थे वो सब कुछ आपने अभी तक चेक कर लिए होने चाहिए, उसके बाद ही आपको कॉलेज को एंटर करना, सिक्वेंस में एड करना, यानी कि चॉइस फिलिंग में एड करना, जिसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया था प्लेसमेंट का। उसके अलावा कॉलेज के अंदर लैब्स की फैसिलिटीज है वो कैसी है, उसके अलावा दूसरी जो बेसिक फैसिलिटीज है जैसे कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो गई, उसके अलावा लैब्स कैसी है, वर्कशॉप कैसी है, कंप्यूटर लैब है तो इंटरनेट कैसा है, पूरे कैंपस में वाईफाई है कि नहीं, पानी की फैसिलिटी है कि नहीं, क्लासरूम कैसा है, ये सब कुछ फैसिलिटीज में आ जाता है। फैकल्टी में फैकल्टी का एजुकेशन किस तरह का है, फैकल्टी के अचीवमेंट्स क्या है, लिंक्डइन प्रोफाइल आपने चेक करनी है, उसके अलावा फैकल्टी की डिग्री यानी कि पीएचडी किया है, मास्टर किया है, ये सब कुछ आपको डेफिनेटली चेक करना होगा। और लास्ट में हॉस्टल, पीजी और कहाँ पे आप स्टे करोगे, ये सारा क्राइटेरिया मैंने बताया था। तो ये सब कुछ आपने चेक कर लिया होना चाहिए, और अभी तक नहीं किया तो फटाफट से ये सारा क्राइटेरिया चेक करें, उसके बाद एक डिसाइड कीजिए कॉलेज, और उसके बाद ही वो कॉलेज मॉक राउंड के अंदर डालना। दूसरा मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कैंपस विजिट। हाँ, ये कैंपस विजिट काफी जरूरी है। मेरे पास एक सवाल आया था कि सर मैं राजकोट में रहता हूँ और मैं क्या सिर्फ सूरत कैंपस विजिट करने के लिए जाऊँ? तो जी हाँ मेरे दोस्त, कैंपस विजिट का महत्व काफी ज्यादा है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कैंपस विजिट सूरत काफी दूर होता है इसीलिए आपने नहीं किया और उसके बाद आपको सूरत में ही एडमिशन मिला, तो फिर आपको 4 साल सूरत में रहना पड़ेगा। तो इसीलिए कैंपस विजिट काफी जरूरी है, तो कैंपस विजिट आपने कर लिया होना चाहिए। अगली बात की टॉक विद स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे टारगेट है VGEC, तो फिर अभी तक आपने VGEC में 5 या 10 स्टूडेंट्स के साथ बात डेफिनेटली कर ली होनी चाहिए, और नहीं की है तो अभी फटाफट से बात कर लेना। अब आप यहाँ पे ये पूछोगे कि अभी तो मैं राजकोट में बैठा हूँ और VGEC तो आती है अहमदाबाद में अंदर, तो देखिए इसके लिए आप एक एप्लीकेशन है लिंक्डइन करके, लिंक्डइन के अंदर आप VGEC आप सर्च करोगे विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो उसके नीचे आपको काफी सारी प्रोफाइल मिलेगी, उसमें आप रैंडमली किसी को मैसेज कर लेना, कोई डेफिनेटली सब लोग आंसर करेंगे क्योंकि लिंक्डइन काफी अच्छी एप्लीकेशन है। उसके अलावा एक बार वेबसाइट चेक कर लेना, वेबसाइट के अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स है, स्टार्टअप कितने हैं, प्रोजेक्ट कितने हैं, प्लेसमेंट कितना हुआ है, ऑन कैंपस कितना हुआ है, ऑफ कैंपस क्या है, ये सारी बेसिक डिटेल है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। देखिए अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अपने पेरेंट्स के ऊपर फैमिली के ऊपर फोर्स नहीं करना है कि मुझे तो कंपलसरी निरमा में ही एडमिशन लेना है, जबकि आपको अहमदाबाद यूनिवर्सिटी या फिर PDPU में TFWS में मिल रहा है, बट ऐसा आपको फोर्स नहीं करना है कि मुझे तो सिर्फ निरमा में ही जाना है। सबसे पहले आप उसकी सिचुएशन समझना, किस तरह से वो आपकी इनकम किस तरह से, मतलब हार्डली पैसे कमाना इट्स नॉट अ मतलब इजी टास्क नहीं है, वो काफी मेहनत लगती है, उसके बाद पैसे आते हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी फीस, यानी कि जहां पे आपको 4 साल के अंदर आपको 12 से लेके 13 लाख पे करने हैं, तो ये काफी बड़ी अमाउंट होती है। तो आप सिर्फ एक बार सोचना कि मनी मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसके बाद ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचना, अदरवाइज गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो ये सारे थे मेरे लिए कॉलेज सिलेक्शन पॉइंट्स, इसमें काफी कुछ ऐड होता है, तो अगर ये सब कुछ देखना है तो आप मेरी पिछले वीडियो चेक कर सकते हो। अगली बात की कॉलेज सीक्वेंस के बारे में बात करो, तो ये ऑलवेज टॉप टू डाउन रोटम में होना चाहिए, टॉप टू डाउन अप्रोच में होना चाहिए। इसके लिए मैं फटाफट से समझा दूं कि पहली कॉलेज डालो, उसका कट ऑफ सबसे नीचे होना चाहिए, नीचे मतलब हो सके उतना कम। मान लीजिए कि यहां पे आपने पहली कॉलेज डाली, उसका है 100, उसके बाद की कॉलेज का होना चाहिए 100 सब, यानी कि 120-150 होना चाहिए, उसके बाद में 300, 2000, 3000, 5000, यानी कि यहाँ पे छोटे से लेके बड़े की साइड आपको जाना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे टॉप टू डाउन अप्रोच होना, टॉप वाली कॉलेज मतलब DAAACT जिसका कट ऑफ सिर्फ 500 था, और बॉटम वाली कॉलेज यहाँ पे ले लीजिए सिल्वर ओक की जिसका कट ऑफ है 5000। तो 100 से स्टार्ट करके मैंने यहाँ पे गया है 5000 तक,
टॉप टू डाउन अप्रोच रखना है, ऐसा नहीं रखना है कि आपने सबसे ऊपर रख दिया निर्मा यूनिवर्सिटी जिसका पिछले साल का मेरिट रैंक था, कट ऑफ रैंक था 350 और इसके नीचे रखा DAAACT जिसका पिछले साल का था 150। तो यहाँ पे तो आपने क्या किया, सबसे ऊपर जो कॉलेज डाली निर्मा उसका कट ऑफ था 350 और नीचे जो डाली उसका कट ऑफ था 150। ऐसा नहीं करना है, टॉप टू डाउन एक सिक्वेंस में चलना चाहिए। आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पता है तो मैं आपको बता दूं, असेंडिंग मतलब ए टू जेड, डिसेंडिंग मतलब जेड टू एड, तो इसी तरह से आपको एक सीक्वेंस फॉलो करनी है। आई होप कि ये पॉइंट आपके लिए खास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जो भी आप लिस्ट ऐड कर रहे हो तो वो उसकी लिस्ट के मतलब आपका जो मेरिट रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बननी चाहिए। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर दूं, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका मेरिट रैंक है 3000, तो आप जो भी लिस्ट बनाओ उसकी रेंज 2000 से लेके 4000 तक डेफिनेटली होनी चाहिए। अब आप भले ही यहाँ पे आप DAAACT ऐड करो और नीचे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी भी ऐड कर दो, ये डजंट मैटर, बट यहाँ पे आपकी मेरिट रैंक है 3000, तो आपका जो कॉलेज लिस्ट है वो 2000 से स्टार्ट होना चाहिए और 4000 तक जाना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा सारी ऑप्शनल है, आप ऐड करो तो भी अच्छा है, नहीं ऐड करो तो भी अच्छा है, बट यहाँ पे एक बात तो नोट करना ही, अगर आपका मेरिट रैंक 3000 है तो 2000 से लेके 4000 वाली सारी कॉलेज आपको यहाँ पे ऐड करनी है। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे क्योंकि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है। अब लास्ट में मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि 15 से 20 इनफ है, 30 आप ज्यादा से ज्यादा डालना, बट यहाँ पे आप अनलिमिटेड चॉइस डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे स्मार्टली मैंने आपको जिस तरह से समझाया तो उसमें आपको 15-20 में से डेफिनेटली कोई कॉलेज मिल जाएगी, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको 30 ऑप्शन दे रहा हूँ, बट 30 से ऊपर नहीं डालना क्योंकि इतनी इनफ होती है। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उसके अंदर चॉइस फिलिंग के अंदर लिमिट है, देखिए यहाँ पे चॉइस फिलिंग के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड कॉलेज डाल सकते हो, बट आप ऐसी चॉइस फिलिंग के लिए लिस्ट तैयार करो, ऐसी सीक्वेंस बनाओ कि जहाँ पे आप 15 से लेके 20 कॉलेज में आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि आपका मेरिट रैंक है 3000, तो इसके अंदर आप यहाँ से स्टार्ट करें 2000 से लेके 4000 तक, तो इसके बीच में ज्यादा से ज्यादा 15 से लेके 20 ही कॉलेज आएगी, तो ये कॉलेज आप डालोगे तो आपको डेफिनेटली इन में से कोई भी एक कॉलेज में एडमिशन डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पे आप कहाँ 30 कॉलेज, और काफी स्टूडेंट्स में मैंने पिछले साल देखा था कि एक स्टूडेंट मुझे मैसेज किया कि मैंने 55 यानी कि 55 कॉलेज डाली थी चॉइस फिलिंग के लिए, तो मैंने उसको यही बोला कि आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मैंने कहां पे ऐसा बोला कि 55 कॉलेज ऐड करने की जरूरत है, यहां पे आपके लिए 15 से 20 कॉलेज में डेफिनेटली कोई कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट था कॉलेज सीक्वेंस का। अब लास्ट में मैं अभी भी आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि अभी भी आपको कोई भी छोटा डाउट हो या फिर बड़ा डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनीवेयर। एनीवेयर मींस आप मुझे ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे दे रखी है, और आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। अब तो काफी सारे दूसरे स्टूडेंट्स भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बात है, और मैं उन सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू भी बोलना चाहूंगा कि जो दूसरे की कमेंट के ऊपर हेल्प करते हैं, उसको आंसर देते हैं, क्योंकि अब मेरे पास काफी कम टाइम होता है यूट्यूब के लिए। सो उसके लिए आप सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर answering others comment, alright? So, आप अभी भी कुछ doubt है तो आप नीचे comment में भी पूछ सकते हो, alright? So, that's it for today's video. I hope कि आपको video पसंद आया होगा। अभी भी कुछ doubt है, so you can free to ask me in the comment section. Thank you.